مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم किचन का नक्शा मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैं इस तरह नक्शा बनाऊँ कि तुम्हें काम करते हुए तकलीफ ना हो, हर काम में सहूलत हो, उसे सामने रखकर मैं तुम्हारे लिए किचन का नक्शा बनाना चाहता। ये मीठे दो बोल थे शोहर के, घर बन गया। अब बीवी जब भी किचन में दाखिल होगी, अब नल पकड़ेगी तो बीवी के दिल में आएगा मेरी सहूलत के लिए शोहर ने बनाया है। अब वहां जाएगी किसी चीज को लेने के लिए, दिल में पैदा होगी बात मेरे शोहर ने मेरी आसानी के लिए अब दिन भर काम करते हुए सोचते रहेगी, ये भी मेरे शोहर ने मेरे लिए बनाया, ये भी मेरे शोहर ने मेरे लिए बनाया। अब थकान खत्म हो जाएगी। तो छोटे छोटे हुकूक हैं लेकिन जिंदगी बदलेंगे, मोहब्बत में इजाफा करेंगे। तो तीसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें मिलती है कि मेरे शोहर बीवी के कामों में हाथ बिठाए। मुकम्मल काम नहीं कर सकता, छोटे 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 कामों में हाथ बिठाए। और चौथी चीज, शोहर बीवी को वक्त दे। ये जो हक है बीवी का हक है, माँ बाप छोड़कर, भाई बहन छोड़कर, अपने रिश्तेदार, अपना खानदान, अपना इलाका, अपना मोहल्ला, अपना गांव सब कुर्बान करके जब हमारी जिंदगी में एक औरत एक लड़की आई है और हम उसे वक्त ना दे, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। हक है शोहर बीवी को हक दे, वक्त दे, वक्त निकाले। दिन भर में थकान कितनी भी क्यों ना हो, ऑफिस में कितनी भी थकान क्यों ना हो, तिजारत और कारोबार में कितनी भी थकान क्यों ना हो, अगर रात में आप पूरी रात सोबत वगैरह नहीं कर सकते, 10-15 मिनट कम से कम मोहब्बत वाली बातें करें, ये भी सुन्नत है, ये भी हक है बीवी का, वक्त निकाल कर दें। हजरत उमर का जमाना था, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बैठे थे, हजरत उबैय बिन काम सामने थे। एक औरत आई हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास और आकर हजरत अमीरुल मोमिनीन से कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन मेरा शोहर बड़ा नेक है। शोहर की शिकायत का अंदाज सहाबियात का क्या था देखे। उस औरत ने कहने लगी अपने शोहर के मुताबिक, अमीरुल मोमिनीन मेरा शोहर बड़ा नेक है, रात भर तहज्जुद पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है। अमीरुल मोमिनीन ने शिकायत को नहीं समझा, खामोशी से सुन लिए। फिर औरत थोड़ी देर खड़ी रही, फिर दोबारा दोहराई, अमीरुल मोमिनीन मेरा शोहर बड़ा नेक है, रात भर तहज्जुद पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है। हजरत उबैय बिन काम रजी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप इसकी बात नहीं समझे। हाँ मैंने नहीं समझा। तो हजरत ने कहा, उबैय बिन काम ने ये अपने शोहर की शिकायत कर रही है। फरमाया कैसी शिकायत, जब इसका शोहर रोजाना रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है, दिन भर रोजा रख रहा है, तो फिर बीवी को वक्त नहीं दे रहा, यह शिकायत है इस औरत की। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ सही बात है। अब उसके शोहर को बुलाया गया। अब शोहर आया, आने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने उबैय बिन काब से कहा, उबैय बिन काब जब इसकी शिकायत को तुमने समझ लिया है, अब इसका मसला भी तुम ही हल करो। उबैय बिन काब ने उस नेक इंसान से जो रात पर तहज्जुद पढ़ता था, दिन पर रोजा रखता था, कहा कि 3 दिन रोजा रखना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, 4th दिन बीवी को देना। नमाज पढ़ने का शौक है, हाँ जी हाँ शौक है। रोजा रखने का शौक है, हाँ जी शौक है। 3 दिन कर लेना, हर 14 दिन बीवी के लिए खास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वली आईन का हक तेरी आंखों का भी हक है, वली ज़ौजी का हक तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। तो 3 दिन इबादत में गुजार चलेगा, लेकिन हर 14 दिन बीवी के साथ खास कर लेना। उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। अब चले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उबैय बिन काब से पूछा, ये कैसा फैसला था आपका कि हर 14 दिन बीवी के साथ खास कर देना, किस आयत की रोशनी में, किस हदीस के आधार आपने ये फैसला किया। हजरत उबैय बिन काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर किसी शोहर के 4 बीवियां हो तो हर 14 दिन उसकी बारी आएगी नहीं आएगी, ये 3 पति होने के बाद 14 दिन फिर उसी की बारी आएगी। तो लिहाजा कुरान से हमें मालूम होता है हर 3 दिन के बाद 14 दिन ये बीवी का हक है। 4 बीवियों वाला 3 दिन 3 बीवियों के पास गुजारेगा, 14 दिन फिर उसी बीवी के पास आएगा। तो कुरान से हमें ये मालूम हुआ, वतना वसुलात और हुआ, कुरान में कहा गया, लिहाजा हर 14 दिन बीवी का हक है। इस आयत की रोशनी में मैंने ये फैसला किया। तो अरबाज अजीजा निगरानी, बीवियों के हुकूक में से एक काम ये है कि हम औरतों के
अपने बीवियों के लिए वक्त निकाले और बीवियों के साथ प्यार भरी बातें करना, सोहबत करना फितरी चीज है, जिमा करना फितरी चीज है, मियां बीवी दोनों चाह रहे हैं ठीक है, नहीं कम अज कम प्यार भरी बातें करना ये तो जरूर हक बनता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का माकूल था, जरूरी नहीं है कि सोहबत ही किया जाए, लेकिन प्यार भरी बातें करना ये तो बीवियों का हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ रात में प्यार भरी बातें किया करते थे, सीरत में लिखा गया है। एक रात अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से बात करते हुए फरमाया, आयशा तू मुझे बता है तू मुझे कितना पसंद है। आयशा ने कहा बताओ कितना पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहद में खजूर डालकर खाने पर जितना लजीज खाना बनता है उससे कहीं ज्यादा तू मुझे पसंद है। हजरत आयशा भी ज़किया थी, चालाक थी। हजरत आयशा ने फौरन नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप भी मुझे आपको बताए मुझे आप कितना पसंद है। नबी ने कहा पूछा कितना पसंद हूँ। आयशा ने कहा मक्खन और शहद मिलाकर खाने में जितना पसंदीदा गिज़ा बनती है उससे कहीं ज्यादा आप मुझे पसंद है। प्यारे आका अली सलाम ने हजरत आयशा का जवाब सुनकर कहा, आयशा तेरा जवाब तो मेरे जवाब से उल्टा था। ये बातें नबी की अज़वाज मुतहरात के साथ, हालांकि जहन्नम का खौफ अल्लाह के अज़ाब का खौफ जितना नबी के दिल में था किसी और के उम्मती के दिल में आ ही नहीं सकता। इतना खौफ होने के बावजूद, जहन्नम सामने होने के बावजूद, मेराज में सब कुछ देखकर आने के बावजूद, जब बीवियों के साथ मिलते इतने प्यार भरे अंदाज में मुलाकात करते और कितना कैसे वक्त देते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बारह आपने सुना है मसले में चले गए, बिस्मिल्लाह खाने बैतुल खला अच्छी तरह नहीं होते थे, जाना पड़ता था। जब बीवी को तकाजा होता शोहर के साथ चले जाते। अभी अल्लाह के नबी हजरत आयशा गए मैदान में, गए फिसा में, गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा, आयशा आओ दौड़ लगाएंगे। अब हजरत आयशा तैयार अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाए, हजरत आयशा आगे चले गई, अल्लाह के नबी पीछे हो गए। लेकिन उलमा ने एक बड़ी कीमती बात इस हदीस की रोशनी में लिखी है, अल्लाह के नबी को कोई हरा नहीं सकता, नबी को कोई पीछे नहीं कर सकता। नबी की ताकत, नबी की जो कुव्वत है वो आम उम्मतियों से कई गुना ज्यादा होती है। और हजरत आयशा का आगे चले जाना, नबी अलैहिस्सलाम का पीछे रह जाना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर आयशा को आगे जाने दिया। नबी चाहते तो आयशा पीछे हो सकती थी, नबी आगे जा सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी आहिस्ता चले ताकि आयशा आगे चली जाए। जब आयशा मेरे से आगे बढ़ जाएगी, जीत जाएगी, तो वो खुश हो जाए। इस अंदाज में नबी ने बीवियों को खुश किया, जानबूझकर अल्लाह के नबी आहिस्ता चलते रहे। उलमा ने लिखा है सही बात है, नबी को कौन हरा सकता है, नबी से आगे कौन बढ़ सकता है, लेकिन नबी पीछे रहकर आयशा को जीतने दिया। उलमा ने इस हदीस की रोशनी में लिखा है, शौहर कभी कभार जिसकी कभी गलती नहीं होती, बीवी की गलती होती है, लेकिन बीवी गलती पर होने के बावजूद अगर जिद्दी हो जाए, शौहर को मनाने पर बैठ जाए, शौहर हक पर होने के बावजूद खामोश रहना, ये भी नबी की सुन्नत है।